हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, अभी तक हम आपको बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड जानकारी दिए हैं और आप चीज़ों को समझ भी गए हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जिसे हर किसी को पता होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह से रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ये रेलवे की जो रूल है उसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं अपने एक सब्सक्राइबर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिनके माध्यम से ये जानकारी आप लोगों तक पहुँच रही है, जिन्होंने ये क्वेश्चन करके पूछा था कि रेलवे के IRCTC में धारा 143 यानी कि 143 क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रेलवे की धारा 143 क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट की बुकिंग करते हैं IRCTC के थ्रू, तो IRCTC में टिकट की बुकिंग करने के लिए दो सिस्टम हैं। एक तो होता है अपना पर्सनल आईडी और दूसरा होता है प्रोफेशनल आईडी, यानी जिसको कि कॉमर्शियल आईडी भी कह सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल आईडी वो आईडी होता है जो हम और आप सभी के पास होता है, जो कि इंडिविजुअल कोई भी रख सकता है जिससे वो अपने टिकट की बुकिंग करते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल आईडी होती है वह सिर्फ रेलवे के जो IRCTC के एजेंट होते हैं उन्हीं को मिलती है, जिसका वो चार्ज जो है IRCTC को पे करते हैं और इसके बाद उनको एक आईडी मिलती है जिससे वो किसी के भी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पर्सनल आईडी होती है, जो हर किसी के पास होती है आईडी, उसमें रेलवे का कहना यह है कि अगर किसी पर्सनल आईडी से कोई भी व्यक्ति जो है अपने जो है रिलेटिव के 6 लोगों की टिकट की बुकिंग कर सकता है। अगर वो अपने आईडी पे आधार कार्ड अपडेट कराए हैं तो 12 टिकट की बुकिंग कर सकता है, यानी कि मंथ में 6 या 12 टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन वह जो है उनके फैमिली के वाले हों जिनका ब्लड रिलेशन उस व्यक्ति से हो, इसी जो है अपने रिलेटिव के ही टिकट की बुकिंग की जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल आईडी से किसी दूसरे के लोगों की टिकट की बुकिंग करता है, मान लीजिए कि अपने फ्रेंड वगैरह की करता है या फिर किसी और अदर लोगों के टिकट की बुकिंग करता है, तो यहाँ पर रेलवे की धारा 143 यानी कि 143 के तहत उस व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो उस पर 3 साल का कारावास या फिर 10,000 रुपये की जुर्माना या दोनों की सज़ा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर रेलवे की यह जो रूल है बहुत ही यहाँ पर आप समझ स्ट्रिक्ट है, क्योंकि कोई भी पर्सनल जो है आईडी से किसी और लोगों की टिकट की बुकिंग नहीं कर सकता है। रेलवे का कहना यहां पर यह है कि अगर वो ऐसा करता है तो कोई भी जो है टिकट की जो ब्लैकमेलिंग का यहां पर ब्लैक में उसको बेच रहा है, इसीलिए रेलवे इस यहां पर रूल ऐसा बनाई है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जो यहां पर पर्सनल आईडी से किसी और लोगों की टिकट की बुकिंग नहीं कर सकता। दोस्तों, अब यहां होता क्या है कि यहां आप जरूर जानना चाहेंगे कि रेलवे कैसे ट्रैक करेगा कि हम अपनी पर्सनल आईडी से किसी और के टिकट की बुकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है कि मान लीजिए कि आपकी जो आईडी बनी हुई है आपके किसी सरनेम से बनी हुई है, तो आपके जो रिलेटिव होंगे उसी सरनेम से बिलोंग करते होंगे। तो अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से किसी और सरनेम या फिर किसी और ऐसे लोगों के टिकट की बुकिंग कर रहे हैं जिससे यह रेलवे की जो सर्वर है उसमें ट्रैक होता है कि आप कोई भी जो है पर्सनल आईडी से किसी दूसरे तीसरे आदमी की टिकट की बुकिंग हमेशा करते जा रहा है, जिससे वह यहां पर पकड़ा सकता है और उनके ऊपर रेलवे की धारा 143 लगाई जा सकती है। तो यहां पर आप ये चीजों को अवश्य ध्यान रखें कि अगर कोई भी आपको फ्रेंड वगैरह या फिर कोई ऐसे लोग कहते हैं कि मेरा टिकट निकाल दो, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि एक छोटा सा तो काम है, आप अपनी खुद से वो आईडी बना लें और वहां से अपनी खुद से जो है टिकट निकालें, आप किसी ऐसे काम में ना फंसे जिससे कि आपको खुद से दिक्कत हो जाए। दोस्तों, होगा क्या कि अगर मान लीजिए आप तो सही हैं लेकिन आपका जो फ्रेंड है या फिर कोई ऐसे लोग जिनका आप टिकट की बुकिंग कर रहे हैं वो इन सब मामलों में फंसे हुए हैं, उनकी छानबीन होती है, तो उनके जरिए आप भी फंस सकते हैं उसमें, क्योंकि वो वहां पर जो है आपके आईडी से वो टिकट यात्रा वहां पर कर रहे हैं, वहां पर आप भी इसमें जिम्मेदार होंगे क्योंकि आपने खुद से ऐसे रेलवे के नियम के खिलाफ काम किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपको बोलता है तो आप कभी भी अपनी पर्सनल आईडी से ऐसे लोगों की टिकट नहीं निकालिएगा, क्योंकि इसके लिए रेलवे के जो एजेंट हैं उन्हीं को ऑथराइज दी गई है कि वही जो है ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एजेंट की आईडी होती है, वही लोग जो है इस तरह से टिकट को निकाल सकते हैं अलग अलग लोगों के, आप अपनी पर्सनल आईडी से नहीं निकाल सकते। दोस्तों, अब होता क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया है, यहाँ पर रेलवे के जो एजेंट लोग होते हैं वो करते क्या थे कि किसी
ट्रेन की 120 दिन पहले जो है सारी टिकट बुक कर लेते थे और उनको ब्लैक में अधिक दाम में जो है बेचते थे, इसीलिए यहाँ पर रेलवे ने ऐसा रूल बनाया है। और जनरली होता क्या है कि जो दलाल लोग होते हैं वो तत्काल टिकट में ऐसा काम करते थे, क्योंकि वो अपनी खुद की 4, 5, 10 आईडी रखते थे और अलग अलग आईडी से जो है टिकट की बुकिंग कर उन्हें ब्लैक में बेचते थे। तो यहाँ पर इससे बचाव के लिए रेलवे ने उन दलालों के लिए जो है अलग से टाइमिंग रखा है कि जो एजेंट का जो टाइमिंग है वो इतने टाइमिंग में टिकट की बुकिंग करेंगे और बाकी उससे पहले जो है कोई नॉर्मल आदमी अपनी पर्सनल आईडी से टिकट की बुकिंग कर सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों को अलग से बचाव के लिए ऐसा काम किया है, लेकिन रेलवे का यहाँ पर नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप ये समझ गए होंगे कि रेलवे की जो धारा 143 यानी कि 143 क्या है, इसमें कैसे कैसे जो है किस सजा का प्रावधान है और क्या गलतियाँ करने से आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर कोई और जानकारी हो तो कॉमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और सभी को पता चल सके, और कोई भी इसमें डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।